देखिए गाइस, आज मैंने की है छत पे धुलाई, पूरी छत को आज मैंने धुल डाला है, इनको सबको नहा दिया है। ये जितने भी पेड़ पौधे और ये तुलसी मैया, मैंने इनको सबको हन्नू करा दी है। ये सभी लोग नहा चुके हैं और नहाने के बाद बहुत अच्छे लग रहे हैं। सब में मैंने डाल दिया है पानी, ये सब मैंने अच्छे से धुल दिया है। सब जगह धुलाई हो चुकी है पूरी छत में। और ये पीपल है यहाँ पर, तो पीपल के पत्ते इतने ढेर सारे हो गए हैं तो इनको ये समेट रही हैं दीदी मेरी। ये देखिए, ये है बेला का पेड़, इसकी बेल होती है बेला की, इसको भी मैंने नहा दिया है। ये सारे नहा चुके, इसमें ये बैठा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये पता नहीं क्या है, टिड्डा है क्या है। ये सभी लोग नहा चुके हैं, पूरी छत की धुलाई हो चुकी है। ये अपनी वजन से ही झुका जा रहा है ये वाला पेड़, ये जो फूल का पौधा है ऊपर, ये यहाँ का मैंने इसलिए काट दिया था ये वाला, क्योंकि ये झुक गया था, काफ़ी झुक गया था और ये दोबारा से फूल आया इसमें, तो ये दोबारा से ये झुका जा रहा है। बाकी ये सारे फूल खिल चुके हैं धूप की वजह से, ये देखिए ये सारे फूल खिल चुके हैं। इसमें लग रहा है मुझे बीज पड़ने वाला है, इसलिए ये खिला नहीं है, मुझे लग रहा है इसमें बीज होने वाले हैं इसके। ये देखिए ये निकल गया, अरे तो ये तो निकल गया यार, ये तो पूरा निकल गया, मेरे से ही निकल गया ये तो, शायद इसी में बीज होंगे। मैं इसी में ही डाल देती हूँ, या इसमें डाल देती हूँ, इसमें डाल देती हूँ इसको। बस मैंने धुल ली है छत, सुबह बना था पोहा तो इसलिए अभी किसी को भूख लगी नहीं है। अरे ये मेरे हाथ में कलर आ गया इसका, ये येलो येलो कलर, इसी इसी चीज़ का ये। इस मैंने इसमें लगाया हुआ है धनिया फिर से, ये देखिए ये मेरी सारी धनिया आ चुकी है इसमें। ये गोबर खाद मैंने मंगाई थी, तो इसमें मैं पर डे इसमें थोड़ा पानी का कंछार मारा जाता है, तो इसमें पूरी धनिया पूरी तरीके से निकली नहीं है, कहीं कहीं है। और ये वाला टब आता है एक सर्फ, उसमें निकलता है ये टब, तो बस उस टब में मैंने भरवाई थी मिट्टी, बस इसमें भी मुझे धनिया लगाऊंगी या कुछ बड़ा चीज़ लगाऊंगी इसमें। ये भी मिट्टी है, पत्थर है क्या, मुझे लग रहा पत्थर है ये। ये मैंने टब और इसमें धनिया लगाई है, अभी मैं इसको ढक दूंगी, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वो गिलहरी खाती है गाइस, और छत पे मेरी गिलहरी बहुत होती है, इसलिए मैं उसको ढक दूंगी। इसमें पहले मैंने धनिया लगाई थी, ये पूरी गोबर है, गोबर खाद है ये, इसमें मैंने लगाई थी एक बार, मैं पूरी निकाल चुकी हूँ, अब मैंने दोबारा से ये लगाई है। हेलो गाइस, मैं बना रही हूँ आज मटर पनीर की सब्जी, एक मटर पनीर बना रही हूँ मैं प्याज लहसुन की, एक बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन की, दो चुटकी बेसन और कश्मीरी लाल मिर्च, ये हमारा तैयार हो रहा है बिना प्याज लहसुन वाला। बस मैंने जो पेस्ट बनाया है टमाटर का वो डाल दे रही हूँ। बस इसको मैं ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए, इसमें जब आ जाएगी उबाल तो मैं डालूंगी इसमें अन्य मसाले, इसको मैं चला दूंगी अच्छे से 5-7 मिनट के लिए, इसको और मैं पकने के लिए छोड़ूंगी। इसमें फदक आ गई है गाइस, 5-7 मिनट के लिए और मैं छोड़ूंगी इसको। वैसे मेरी ग्रेवी पक चुकी है, थोड़ी देर और पकाऊंगी। इसमें रखा है मेरा प्याज बिना प्याज लहसुन वाला, और ये है हमारा प्याज लहसुन वाला गाइस, है मेरा पनीर प्याज लहसुन वाला गाइस, इसमें मैंने पेस्ट डाल दिया था। और अब मैं जा रही हूँ इसमें डालने के लिए शाही पनीर मसाला, इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच धनिया, थोड़ा और बढ़ाऊंगी। बस मैं इसको चला दूंगी गाइस, मेरा ये जो मसाला था वो मेरा अच्छे से तेल छोड़ दिया है। मैं डालूंगी इसमें क्रीम, जो मेरे यहाँ दूध आता है, मैं मेरे यहाँ शुद्ध क्रीम है दूध वाली, उसी की क्रीम मैंने निकाल के इसमें डाल दिया है। बस इसको अब चलाते रहना है अच्छे से गाइस, इसको छोड़ना नहीं है नहीं तो ये फट जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी, मेरी ग्रेवी पूरी तरीके से तैयार हो गई है। बस मैं डालूंगी इसमें पनीर, ये हमारा लमसम आधा किलो के आसपास पनीर है गाइस, और जो मेरे मटर रखे हैं मटर डालूंगी, थोड़ा मटर मैं बचा लूंगी क्योंकि मुझे बिना प्याज लहसुन वाले में भी डालना है गाइस। इसमें मैं लगाऊंगी एक उबाल, इसके पहले मुझे एक काम करना है, मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के आसपास में डालूंगी थोड़ी सी चीनी, जो है इसमें फ्लेवर लाने का काम करेगी गाइस। ये इसमें आ गई अच्छे से खोल, तो मैं बस डालूंगी इसमें पनीर और मटर, ये हमारा है भगवान का भोग लगाने के लिए बिना प्याज लहसुन का। इसमें भी मैं डालूंगी थोड़ी सी चीनी,
ये मैं टेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये खाना है भगवान को, इसलिए मैं इसको टेस्ट नहीं करूँगी गाइस। मैं सोच रही हूँ इसमें थोड़ा नमक डाल दूँ, कम ना होगा इस नमक। ये मेरा मटर पनीर पक चुका है, ये भी पक चुका है गाइस, मैंने इसको टेस्ट किया था, बहुत टेस्टी है। मैं इसमें डाल देती हूँ हरी धनिया। हरी धनिया डालने के बाद में ये पूरी तरीके से हो जाएगा रेडी खाने के लिए। गरम सब्जी में ही मैं धनिया डाल देती हूँ गाइस, मुझे कच्ची धनिया नहीं पसंद आती है। इसको मैं ढकूंगी नहीं, धनिया हरी भी रहेगी और इसका फ्लेवर भी उतर जाएगा, खाने में भी टेस्टी लगेगी सब्जी। इसको मैं पलट लेती हूँ बड़े कटोरे में, बर्तन खाली करके धुलने के लिए हो जाएंगे। ये देखिए गाइस बर्तन कितने सारे हो गए धुलने के लिए। गाइस मेरी आलू मेथी की सब्जी गई है पक, और मैंने थोड़े से चावल भी बनाए हैं ये देखिए, और आलू मेथी की सब्जी पक गई है। मैं बाद में भी आपको दिखाती हूँ खाना लगा के। मैं बना ले रही हूँ गाइस रोटी, मेरी सब्जी बन चुकी है, ये है मेरी पनीर की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी, ये है आलू मेथी की सब्जी, और ये बना ले रही हूँ रोटियाँ। बस रोटियाँ बनाने के बाद में मैं लड्डू गोपाल का भोग लगाऊंगी, भोग लगाने के बाद में सब लोग खाना खाएंगे। खाना मैंने लगा लिया है, ये खाना जाता है मेरे पापा को, पापा रहते हैं मेरे खेत पे, क्योंकि फसल है इस समय गेहूं की गाइस, इसलिए जानवर घुस जाते हैं खेत में, इसलिए पापा को जाएगा खाना खेत पे, शाम को पापा नहीं आते हैं। तो बस मैं खाना कर देती हूँ पैकिंग। रोटी लगा लूँ